दोस्तों, इस प्रकार वीडियो एडिटिंग करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस प्रकार वीडियो कैसा एडिट करोगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को एडिट करने के लिए मैं जितना सारा मटेरियल यूज किया हूँ सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सभी मटेरियल को डाउनलोड करने के बाद आप लोग बहुत इजी से वीडियो को एडिट कर पाओगे। दोस्तों, वीडियो कैसा एडिट करना है बताने से पहले आप लोग अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल का ऊपर क्लिक करके ऑल का ऊपर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले काइन मास्टर को ओपन कीजिए। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद यहाँ से एक प्लस का आइकन मिलेगा, इस प्लस आइकन का ऊपर क्लिक कीजिए। प्लस का आइकन का ऊपर क्लिक करने के बाद यह सब आपको बहुत सारा प्रोजेक्ट शो करेगा। 16.9 जो प्रोजेक्ट शो कर रहा है इसका ऊपर क्लिक कीजिए। इसका ऊपर क्लिक करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। यह से बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। बैकग्राउंड का ऊपर क्लिक कीजिए, एक ब्लैक वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट कीजिए। ब्लैक वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद इस बैकग्राउंड का लेंथ थोड़ा बड़ा कीजिए, जैसा 14 सेकंड कर दीजिए। 14 सेकंड करने के बाद राइट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसका बाद वीडियो का स्टार्टिंग में आ जाइए। स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ से लेयर का ऊपर क्लिक कीजिए। लेयर का ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा। मीडिया का ऊपर क्लिक करके आपका जो गेम प्ले का वीडियो है यहाँ से ऐड करना है। मैं मेरा गेम प्ले का वीडियो को ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। इसका बाद वीडियो को फुल स्क्रीन करना है, यहाँ से फुल स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसका ऊपर टैप कीजिए। टैप करने के बाद इसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद आपका वीडियो फुल स्क्रीन हो जाएगा। फुल स्क्रीन होने के बाद यहाँ से आप लोग बैक आ जाइए। बैक का ऊपर क्लिक कीजिए। बैक का ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बहुत सारा ऑप्शन शो करेगा। आप थोड़ा ऊपर को स्लाइड कीजिए। स्लाइड करने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की। क्रोमा की के ऊपर टैप कीजिए। टैप करने के बाद क्रोमा की को एनेबल कर दीजिए। एनेबल करने के बाद यहाँ से नीचे आपको दो लाइन शो करेगा। ऊपर वाला लाइन में आपको 36 रखना है और नीचे वाला लाइन में 46 रखना है। मैं ऊपर वाला लाइन में 36 कर देता हूँ, नीचे वाला लाइन में 46 करना है। मैं 46 कर देता हूँ। 46 करने के बाद यहाँ से राइट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसका बाद यहाँ से क्लाउड का इफेक्ट डालना है। क्लाउड का इफेक्ट को ऐड करने के लिए लेयर का ऊपर क्लिक कीजिए। लेयर का ऊपर क्लिक करने के बाद मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा। मीडिया का ऊपर क्लिक कीजिए। मीडिया का ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से क्लाउड इफेक्ट को ऐड कर दीजिए। क्लाउड इफेक्ट को ऐड करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको वीडियो को थोड़ा जूम करना है, जैसा मैं करता हूँ आप लोग देख सकते हो। थोड़ा जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ से एडजस्ट करके रख देना है। जैसा मैं वीडियो को एडजस्ट करके रखता हूँ, इस प्रकार आप लोग यहाँ से एडजस्ट करके अच्छा से रख लीजिए। रखने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा थ्री डॉट का। थ्री डॉट का ऊपर टैप कीजिए। थ्री डॉट का ऊपर टैप करने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा सेंड टू बैक। सेंड टू बैक का ऊपर क्लिक कीजिए। सेंड टू बैक का ऊपर क्लिक करने के बाद राइट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसका बाद आप लोग यहाँ से वीडियो को थोड़ा स्लाइड कीजिए, जैसा मैं करता हूँ इस प्रकार स्लाइड कीजिए। 7 सेकंड तक स्लाइड कीजिए। स्लाइड करने के बाद यहाँ से क्लाउड इफेक्ट का ऊपर क्लिक कीजिए। क्लाउड इफेक्ट का ऊपर क्लिक करने के बाद कंची का ऑप्शन मिल जाएगा। कंची का ऊपर क्लिक करने के बाद राइट साइड को कट कर देना है। राइट साइड को कट कर दीजिए। इसका बाद भेल का इफेक्ट को ऐड करना है, इसीलिए लेयर का ऊपर क्लिक कीजिए। लेयर का ऊपर क्लिक करने के बाद मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा। मीडिया का ऊपर टैप कीजिए। मीडिया का ऊपर टैप करने के बाद यहाँ से भेल इफेक्ट को ऐड कर दीजिए। भेल इफेक्ट को ऐड करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा जूम करना है, जैसा मैं जूम करता हूँ इस प्रकार जूम करना है। जूम करने के बाद मैं जैसा एडजस्ट करके रखता हूँ इस प्रकार रखना है। एडजस्ट करके रखने के बाद थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। थ्री डॉट का ऊपर टैप कीजिए। थ्री डॉट का ऊपर टैप करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेंड टू बैक। सेंड टू बैक का ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेंड टू बैक का ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बहुत सारा ऑप्शन शो करेगा। इसको ऊपर को स्लाइड कीजिए। ऊपर को स्लाइड करने के बाद एक ऑप्शन शो करेगा एडजस्टमेंट। इसका ऊपर क्लिक कीजिए। एडजस्टमेंट का ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बहुत सारा ऑप्शन शो करेगा। इसको ऊपर में स्लाइड कीजिए। स्लाइड करने के बाद एक ऑप्शन शो करेगा टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को आप लोग माइनस करना है, जैसा मैं माइनस करता हूँ इसको माइनस कर दीजिए। टेम्परेचर को माइनस करने के बाद नीचे में स्लाइड कीजिए। नीचे में स्लाइड करने के बाद और एक ऑप्शन मिलेगा सेचुरेशन। सेचुरेशन को आप लोग थोड़ा प्लस करना है, एक पॉइंट प्लस करना है। जैसा मैं प्लस करता हूँ एक पॉइंट प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद आप लोग यहाँ से राइट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसका बाद आप लोग क्लाउड इफेक्ट का लेंथ को थोड़ा बड़ा कीजिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा बड़ा कीजिए, जैसा मैं करता हूँ थोड़ा बड़ा कीजिए। बड़ा करने के बाद राइट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसका बाद आप लोग वीडियो का स्टार्टिंग में आ जाइए। स्टार्टिंग में आने के बाद आप लोग को यहाँ से ग्रास का इफेक्ट को ऐड करना है। ग्रास इफेक्ट को ऐड करने के लिए लेयर का ऊपर क्लिक कीजिए। लेयर का ऊपर क्लिक करने के बाद मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा। मीडिया का ऊपर टैप करने के बाद ग्रास इफेक्ट को ऐड कर देना है। ग्रास इफेक्ट को ऐड करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। यह सब आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन शो करेगा। आप लोग यहाँ से थोड़ा ऊपर को स्लाइड कीजिए।
स्लाइड करने के बाद एक ऑप्शन शो करेगा क्रोमा की, क्रोमा की के ऊपर क्लिक कीजिए। क्रोमा की के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको एनेबल कर दीजिए। एनेबल करने के बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हो इसको थोड़ा एडजस्ट करना है, जैसा ग्रीन थोड़ा कट होना चाहिए इस प्रकार आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए। जैसा मैं एडजस्ट करता हूँ ग्रीन को थोड़ा कट कर देता हूँ। एडजस्ट करने के बाद इस ग्रास इफेक्ट को थोड़ा जूम करना है, जैसा मैं जूम करता हूँ इस प्रकार जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ से नीचे का साइड में इसको एडजस्ट कर देना है, जैसा मैं एडजस्ट करता हूँ इस प्रकार यहाँ से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद राइट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। ग्रास इफेक्ट को ऐड करने के बाद हमारा वीडियो 100% कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो मेरा वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मैं अभी आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो कैसा लगता है। देखिए मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, आप लोग देख सकते हो वीडियो प्ले हो रहा है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। हमारा वीडियो अभी कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है गैलरी में। दोस्तों वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल का ऊपर क्लिक करके ऑल का ऊपर क्लिक कर दीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ।